हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनील कुमार टेक्नीशियन एलईडी टीवी रिपेयर में। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इस बोर्ड के वोल्टेज के बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या वोल्टेज बनते हैं और कैसे ये मदरबोर्ड जो है कैसे ऑपरेट होता है, कितने वोल्ट आने पर, कौन से वोल्ट मिस होने पर ये ऑपरेट नहीं होता, ऑन नहीं होता। चलिए चलते हैं। ये देखिए, इसमें ये इंडिकेटर आ गया हमारा। अब हम इसको स्टैंड बाई करते हैं। ये देखिए, हमारा सेट स्टैंड बाई हो चुका। अब हम आपको इसकी वोल्टेज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग होने के लिए वोल्टेज हमारे कौन कौन से ज़रूरी है? ये देखिए 3.3 और ये हमारे हो गए 1.2 वोल्ट। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, हमें इन इन वोल्टेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सेट को ऑपरेट होने के लिए। आपने सभी ने देखा, इसमें वोल्टेज हमारे प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं तभी हमारा ये सेट ऑन है। अगर बट हमारा सेट ऑन नहीं होता तो हमारी काफ़ी सारे वोल्टेज मिस हो जाते हैं, जैसे कि कपलर रेगुलेटर ख़राब होने पर। यहाँ पर ये 2.5 और 2 वोल्ट और यहाँ पे कुछ भी वोल्ट नहीं होने के कारण हमारा सेट जो ये है ऑपरेट नहीं हो पाता। अगर आपको ये सेट स्टैंड बाई में मिले कभी भी, तो आपको स्टैंड बाई में सबसे पहले कंपोनेंट चेक करने हैं, ये वाले। ये आप कंपोनेंट चेक करोगे तो अगर आपको कोई भी वोल्ट मिस लगे, ये वाले 3.3 आ रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे भी प्रॉपर बन रहे हैं और हमारे यहाँ पे भी प्रॉपर वोल्टेज बन रहे हैं। तो अगर हमारे प्रॉपर वोल्टेज बन रहे हैं फिर आपकी क्या प्रॉब्लम होगी? आपकी ये प्रॉब्लम होगी कि ये EMMC होती है, जो मैन IC होती है, फिर उसका फॉल्ट होता है। उसमें आप केवल एक ही काम करो कि बोर्ड को ही चेंज कर दो, दूसरा बोर्ड इंस्टॉल कर दो।